अर्ज कर रहा था, इसमें बहुत सारे लोग होंगे जो अजमेर शरीफ गए होंगे, है ना। आजकल लोग कहते हैं मौलाना साहब अजमेर शरीफ गए थे, मन्नत नहीं पूरी हुई। बोले क्या माना था? क्या मन्नत माने थे? कि रांची के मैन रोड में एक बढ़िया दुकान हो जाए, 1.5 रुपया का लुकुमदाना, 1.5 करोड़ की मन्नत। जैसा खर्चा करोगे वैसी ना मन्नत पूरी होगी रे। फतेहपुर सीकरी में एक बुजुर्ग रहते थे, उनकी बारगाह में उनका एक मुरीद रहता था। वो आया अपने पीर साहब के पास, कहा हुजूर ख्वाजा साहब के उर्स का महीना आ गया है, लोग जा रहे हैं, वो भी अजमेर शरीफ चले गए। अस्सलाम वालेकुम अजमेर शरीफ। सुभान अल्लाह, जम के सोइए, आ रहा है क्या? इसने कहा हुजूर हम अजमेर शरीफ जाना चाहते हैं, ख्वाजा साहब के उर्स का महीना है। तो पीर साहब ने फरमाया रुक जाओ, इम साल नहीं आने वाले साल में जाना। मुरीद था अपने पीर की बात मान गया, रुक गया। किसी तरह एक साल गुजारा, दूसरे साल फिर वो पहुंचा, कहा अस्सलाम वालेकुम हजरत। कहा वालेकुम सलाम। कहा कुछ मालूम है? कहा क्या? कहा कि गरीब नवाज के उर्स का महीना आ गया है, बच्चा है अजमेर शरीफ, बूढ़ा है अजमेर शरीफ, जवान है अजमेर शरीफ, हुजूर हमको भी इजाजत दीजिए, हम भी जाएंगे अजमेर शरीफ। आपके पीर साहब ने फरमाया रुक जा, इंसान नहीं आने वाले साल में जाना। इसने कहा एक बात बताइएगा। कहा क्या? कहा आपको गरीब नवाज से क्या एलर्जी है? मतलब क्या मतलब? कहा क्या आगे साल भी नहीं दिए, इम साल भी नहीं दिए, कोई खास बात है? कहा आगे साल जाना। कहा ठीक है। मुरीद ने क्या किया, आने वाले साल में पीर साहब से बगैर पूछे बस का टिकट खरीद लिया। आज टिकट लेके रात में पहुंचा, कल जाना है, तो आज ईशा के बाद आया। कहा अस्सलाम वालेकुम। कहा वालेकुम सलाम। है कहा हुजूर ख्वाजा साहब पूर से का महीना आ गया। कहा तब? कहा हम अजमेर शरीफ जाना चाहते हैं। कहा आगे से जाना? है कहा जान रहे थे, समझ रहे थे, मगर हम भी तैयार हैं। तैयार है? बोला हाँ, मैंने टिकट ले लिया। कहा बस कब खुलेगी? कहा कल बाद नमाज फज्र खुलेगी। हजरत ने फरमाया ठीक है, नमाज फज्र के बाद मैं वजीफे में बैठ जाऊंगा, वजीफे से फारिग हो जाऊंगा, इजाजत लेना अजमेर शरीफ चल देना। कहा ठीक है। रात भर इसने तैयारी की, रोजाना के मामूल के मुताबिक सुबह की नमाज अपने पीर साहब की इख्तदा में इसने अदा की। नमाज के बाद पीर साहब वजीफे में बैठ गए तो उठ ही नहीं रहे। अब मुरीद परेशान है ना, गाड़ी वाला कहा कि टाइम हो गया है, थोड़ा सा रुक जाए, इनका वजीफा खत्म हो जाए, है ना। मगर पीर साहब का वजीफे खत्म नहीं हो रहा था, अंदर बाहर अंदर बाहर। गाड़ी वाला बहुत इंतजार करके चढ़ गया, गाड़ी चल गई, पीर साहब वजीफे से फारिग हुए, मुरीद सामने खड़ा था। पीर साहब ने कहा अजमेर शरीफ जाओगे? कहा हम अजमेर शरीफ जाएंगे, हम जाएंगे। अरे तुमने ही कहा था ना अजमेर शरीफ जाएंगे। कहा हम जाएंगे अजमेर शरीफ। अरे जाओगे? कहा हम जाएंगे। एकदम बीपी हाई हो गया उसका। कहा हम जाएंगे अजमेर शरीफ। कहा तुमने कहा था ना कि तुमने कहा था कि अजमेर शरीफ जाना, हम कहते ना। बोला अरे तुमने ही कहा था ना। कहा आज ही वजीफा लंबा करना था, और कोई दिन आपको नहीं मिला था, सीधे सीधे बोलते कि तुमको नहीं जाना है, ये वजीफा लंबा करके गाड़ी छोड़वाने की क्या जरूरत थी। गाड़ी चल गई तो कह रहे हैं कि अजमेर शरीफ जाओगे, अजमेर शरीफ जाओगे, अजमेर शरीफ जाओगे, हम जाएंगे अजमेर शरीफ। सब समझ रहे हैं ना, समझाया पीर साहब ने। उसके बाद उन्होंने एक खत लिखा, एक खत लिखने के बाद अपने उस मुरीद को दिया। कहा क्या करेंगे? कहा जब अजमेर शरीफ पहुंचोगे तो गरीब नवाज के मजार शरीफ से पहले एक घना दरख्त होगा, उस दरख्त के नीचे एक बुजुर्ग तशरीफ फरमा होंगे, जिनकी दाढ़ी सफेद होगी, चेहरा नूरानी होगा। फरमाया दाढ़ी सफेद होगी, चेहरा नूरानी होगा, जिन्हें देखोगे तो खुदा भी याद आएगा, तुम्हें मुस्तफा भी याद आएंगे। जाना, मेरा खत दे देना, मेरा सलाम अर्ज करना, वापसी में जवाब लेकर आना। मुरीद ने कहा अजमेर शरीफ पहुंचना, मजार शरीफ से पहले दरख्त होगा, उसके नीचे बुजुर्ग तशरीफ फरमा होंगे, दाढ़ी सफेद होगी, चेहरा नूरानी होगा, मेरा सलाम कहना, खत देना, जवाब लेके आना, जाने का कोई ठिकाने नहीं है। कहा क्या मतलब? का मतलब यह है हुजूर कि जाएंगे तब ना ये सब होगा, गाड़ी चल गई तो चेहरा नूरानी होगा, दाढ़ी सफेद होगी, सलाम कहना। हजरत ने मुस्कुराया, कहा जाना चाहते हो? कहा एक ही बार 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 कहे पूछ रहे हैं, नहीं जाना होता तो हम टिकट लेते कहे। जाना चाहते हो? कहीं जाना होता बोले हम टिकट कहा लेते, डांट के जो पूछ रहे आप ना। का एक काम करो, अपनी दोनों आंखें बंद कर। हाँ हाँ, प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। आपने फरमाया कि अपनी दोनों आंखें बंद कर। का उसके बाद, का उसके बाद पहला कदम उठाना जमीन पे रखना, आंखें मत खोलना। दूसरा कदम उठाना जमीन पे रखना, आंखें मत खोलना। तीसरा कदम उठाना जमीन पे रखना, अपनी दोनों आंखें खोल देना।
मुरीद ने कहा साहब समझ रहे हो, उतना बेवकूफ थोड़ी हो जूर है ना, जितना आप हमको समझाए हुए हैं। बोला क्या मतलब? का सभा अंकन करके अजमेर शरीफ ही चल जाता तो बिला वजह ना बस में भरा देता है ना। का नहीं भेजना हो मत भेजिए, आंख बंद करेंगे हम, इधर धीरे से आप ही निकल जाइएगा। काम तो बंद कर लेंगे मगर आप निकल जाइएगा ना इधर। आपने मुस्कुराया, का ऐसा नहीं होगा, कहा देखिए नहीं भेजना है तो मत भेजिए, गाड़ी तो छुड़वाए थी, आंख बंद करेंगे आप गायब हो जाएगा, इज्जत गड़बड़ा जाएगा। आपने कहा ऐसा नहीं होगा, बंद करा के कहा सर हम कन्फर्म है ना हजरत, आप जाइएगा नहीं ना। कारे नहीं, तुम अपनी दोनों आंखें बंद तो कर। है कहा ठीक है हजरत, बंद कर रहे हैं, बंद करे ना हजरत। ने कहा बंद तो कर। है कहा लग रहा कहीं आप धीरे से खिसक तो नहीं जाइएगा, का ऐसा नहीं होगा, बंद कर आंखें। इसने अपनी दोनों आंखें बंद की, पहला कदम उठाया, जमीन पे रखा, ढाई से आंख खोल के घूम गया। हजरत ने कहा क्या कर रहा है? कहा है ना हजरत, वही देख रहे थे कि हाई कि चले गए। हजरत ने कहा रे बेको आंखें बंद कर, ये मेरा हुक्म है। अब इसने अपनी दोनों आंखें बंद की, पहला कदम उठाया, जमीन पे रखा, आंखें बंद थी। दूसरा कदम उठाया, जमीन पे रखा, आंखें बंद थी। तीसरा कदम उठाया, जमीन पे रखा, आंखें खोल दी। क्या देखता है? आंखें बंद थी तो फतेहपुर सीकरी में था, और आंखें खुली है तो गरीब नवाज की बारगाह में है, ख्वाजा खाजगान की बारगाह में है, शहंशाह हिंदुस्तान की बारगाह में है, अताए रसूल की बारगाह में है, गरीब नवाज की बारगाह में है। बड़ा खुश हुआ, अल्लाह ने पीर दिया है तो ऐसा दिया है, अल्लाह ने पीर अता किया है तो ऐसा पीर अता किया है। बहुत खुश हुआ, ये पहले पहुंच गया, बस वाला बाद में पहुंचा। इसको देखा रे कैसे आया, का बहुत घड़ी दिखा रहा था, टाइम हो गया नहीं रुकेंगे ना, का कैसे आया, का गाड़ी दिखा रहा था हमको, नहीं रुकेंगे, आए कि नहीं आए, का किस गाड़ी से आए? उसने जवाब दिया कि मैं इश्क वाली गाड़ी से आया हूँ। क्या जवाब था? का इश्क वाली गाड़ी ये इसी साल खुली है क्या, नई गाड़ी है क्या? कहा तो ये इश्क वाली गाड़ी बहुत पुरानी गाड़ी है। कहा कितनी पुरानी? कहा रे बहुत पुरानी। कहा कितनी पुरानी? कहा सो इसी इश्क वाली गाड़ी पे सिद्दीक चढ़े तो सदाकत के पैकर बन गए, इसी इश्क वाली गाड़ी पे उमर चढ़े अदालत के पैकर बन गए, इसी इश्क वाली गाड़ी पे उस्मान चढ़े सखावत के पैकर बन गए, इसी इश्क वाली गाड़ी पे अली चढ़े शुजाहत के पैकर बन गए, इसी इश्क वाली गाड़ी पे अबू हनीफा चढ़े इमाम आजम बन गए, इसी इश्क वाली गाड़ी पे हुसैन चढ़े शहीद आजम बन गए, इसी इश्क वाली गाड़ी पे अब्दुल कादिर चढ़े गौसे आजम बन गए, इसी इश्क वाली गाड़ी पे मोइनुद्दीन चढ़े गरीब नवाज बन गए, और आसिफ इकबाल को कहने दो कसम खुदा की इसी इश्क वाली गाड़ी पे अहमद आजा चढ़े तो सरकारे आला हजरत बन गए, इसी इश्क वाली गाड़ी पे मुस्तफा रजा चढ़े मुफ्ती आजम बन गए, इसी इश्क वाली गाड़ी पे हबीबुर रहमान चढ़े मुजाहिद मिल्लत बन गए, इसी इश्क वाली गाड़ी पे अब्दुल अजीज चढ़े तो हाफिज मिल्लत बन गए, इसी इश्क वाली गाड़ी पे अख्तर रजा चढ़े ताजी शरिया बन गए, इसी इश्क वाली गाड़ी पे सैयद असगर इमाम चढ़े तो इमाम मिल्लत बन गए। नारे नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत हयात तक शहादत का शहर, नारे तकबीर नारे रिसालत। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, अरे जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, इश्क की आग लगा लो इंशाल्लाह ये इश्क की आग जहन्नम की आग को बुझा देगी। बड़ा खुश हुआ, खत दिया उस बुजुर्ग को, कहा मेरे पीर साहब ने दिया है। कहा ठीक है। कहा हुजूर ने जवाब मांगा है? कहा इसी जगह आना और जवाब ले लेना। उर्स खत्म हुआ, लोग चलने लगे। अब ये गया गाड़ी वाले के पास, कहा एक आदमी की गुंजाइश है, कहा इश्क वाली गाड़ी से जाओ, बहुत पुरानी गाड़ी है। कहा रे किसी तरह एडजस्ट कर लो। कहा ना ना बहुत पुरानी गाड़ी है उसी से। उसने कहा या अल्लाह, पीर साहब ने तो भेजने को भेज दिया मगर भेज के पूरी तरह फंसा दिया। ना मैंने पूछा कि हम कैसे जाएंगे, ना पीर साहब बोले कि तू कैसे आएगा, ये तो फंसा दिया, नहीं भेजना था नहीं भेजते मगर भेज के इस तरह फंसाना नहीं चाहिए था। अब फिर पीर साहब पे फायर। गाड़ी वाले से कहा किसी तरह कोई गुंजाइश का, कोई गुंजाइश नहीं, नो इलाज। कहा क्या करें, बहुत परेशान। कहा अच्छा, पीर साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे साथ। पहुंचा, देखा वो बुजुर्ग तशरीफ फरमाते, सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया। कहा हुजूर पीर साहब ने जवाब मांगा है, जवाब दे दिया। जवाब लेके वहीं पे आगे पीछे कहा जाओ। कहा यही वाला मसला फंसा हुआ।
का आया कैसे था? कई वाला मत पूछिएगा, कभी मत पूछिएगा, हम आ गए ना। का कैसे आया था? का बोले नहीं वाला मत पूछिएगा, हम आ गए, मगर मेरे पीर साहब हमको भेज के फंसा दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। साहब ने कहा कि बोल आया कैसे था? कई वाला मत पूछिए, भेजना कैसे वाला थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। तो आपने फरमाया पहले बोल आया कैसे था, तब भेजने का इंतजाम करूंगा। कई वाला मत पूछिए, हम आ गए ना, एकदम आ गए ना। बोला अरे कैसे आया था? छोड़िए नहीं वाला पूछे, कह हमको भेजिए ना किसी तरह। कहा पहले बोलना होगा आया कैसे था। जब उन्होंने कहा बार बार की जब तक बोलेंगे नहीं तो भेजेंगे नहीं, कहा कैसे आया? तीन कदम में चले आए, कैसे आया? आपने इशारा फरमाया कि आया था तीन कदम में और वापिस कर दूंगा दो कदम में। आहा सुभान अल्लाह, बोलो जोर से सुभान अल्लाह। कहा आया था तीन कदम में और वापिस कर दूंगा दो कदम में। उसने कहा मेरे फिर साहब इतने पहुंचे हुए, आप कितने पहुंचे हुए? कहीं ऐसा नहीं कि हुजूर आप भी चले जाइएगा ना, ये परदेश है। कहा उसके बाद हजरत, उसके बाद क्या? पहला कदम उठाना जमीन पे रखना, आंख मत खोलना। दूसरा उठाना जमीन पे रखना, आंख खोल देना। कहा सही में हजरत पहुंच जाएंगे दो कदम में? मेरे पीर साहब इतना पहुंचे तो तीन कदम में भेजे हमको। कहा जितना बोल रहा उतना कर बंद कर आके। इसलिए अपनी दोनों आंखें बंद की, पहला कदम उठाया जमीन पे रखा आंखें बंद की, दूसरा कदम उठाया जमीन पे रखा आंखें खोल दी। क्या देखता है कि आंखें बंद थी तो अजमेर शरीफ में था और आंखें खुली है तो फतेहपुर सीकरी अपने पीर की बारगाह में है। पीर साहब सामने खड़े थे। कहा अस्सलाम वालेकुम। पीर साहब ने कहा वालेकुम सलाम, कर लीजिए अपना कर लीजिए। कहा क्या बात है? कहा क्या सोचे थे कि हम फंसा देंगे, यही ना सोचे थे आप? कह रहे क्या हुआ? कहो तो आप सोचिए क्या हुआ, हम आ गए ना। कैसे आया? कई वाला मत पूछेगा हमसे कैसे आया, बता देना बस आ गई, मत पूछेगा। अरे बता आया कैसे? क्या बोले नहीं वाला मत पूछेगा, आप सोचे थे फंसा देंगे हमको। कैसे आया वो? इसने कहा कैसे आया? तीन कदम में अजमेर भेजना बहुत बड़ा कमाल है क्या? देखिए कैसे कर बुलाया। कहा कैसे आया? आपसे भी कोई पहुंचा हुआ है? क्या हुआ, कैसे आएंगे दो कदम में चले यार, कैसे आएंगे? लीजिए आपने खत लीजिए। कहा कि क्या बात है, बहुत जल्दी कहा आ गया अजमेर शरीफ जाके। आपने खत को पढ़ा, पढ़ के मुस्कुरा दिया। मुरीद कदम पे गिर गया, रोने लगा। कहा मेरे पीरो मुर्शिद, मेरे शायर, एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आपका खत मैंने उस फकीर को दिया था तो उसने भी पढ़ा, पढ़ के मुस्कुरा दिया। कहा मैं गरीब नवाज की बारगाह में गया था, ख्वाजाए खाजगान की बारगाह में गया था। आपने फरमाया बेवकूफ, जिसे मैंने खत देने कहा था वो कोई और नहीं थे, वही तो ख्वाजाए खाजगान थे, वही तो शहंशाह हिंदुस्तान थे, वही तो अताए रसूल थे, वही तो गरीब नवाज थे। मैंने खत में लिखा था ए खाजा हो के खाजा, ए राजा हो के राजा, आपने अजमेर की धरती पर कैसी धूम मचा रखी है। रजब का महीना आता है, बच्चा है अजमेर शरीफ, जीवा जवान है अजमेर शरीफ, बूढ़ा है अजमेर शरीफ, गरीब है अजमेर शरीफ, अमीर है अजमेर शरीफ। तो उन्होंने जवाब में लिखा कि जब तुम अपने एक दीवाने को नहीं रोक सकते तो मैं इतने दीवाने को कैसे रोक सकता हूँ। जब तुम्हारा एक दीवाना नहीं रुक सकता है, मेरा इतना दीवाना कैसे रुकेगा। इतना सुनना था, अपने पीर के कदम पे गिरा है, सारे पत्थर रोने लगा है, पीर ने उठाया है, कलेजे से लगाया है। ओ दीवाने रोना कैसा, ओ दीवाने आंसू बहाना कैसा, ओ दीवाने ये आंख में आंसू क्यों? उसने रोते हुए कहा हुजूर आज इस्लाम की अजमत समझ में आ गई, इस्लाम की हकानियत समझ में आ गई। पूछा क्या समझा तूने? तो उसने रोकर जवाब दिया था कि हुजूर मुझे कहने दिया जाए कि जब हिंदुस्तान का खाजा ऐसा है तो मदीने का राजा कैसा होगा। जब राजा का ये आलम है तो राजा का क्या आलम होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाह ने संभाला की झोली, तो मुहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम। नारे तकबीर, नारे रिसालत मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। हम जिंदा नबी की जिंदा, जोर से बोलो जिंदा नबी की जिंदा।